ये है बुरहानपुर जिले की रहने वाली वंदना वर्मा। इनके खुद की कटलरी की दुकान है जिससे हर महीने हजारों की कमाई हो रही है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। वंदना एक सामान्य गृहिणी थी और कई परिवारों की तरह उनके परिवार को भी कई बार आर्थिक मोर्चों पर झुकना पड़ा था। फिर एक दिन उन्होंने गांव की ही महिलाओं से स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी ली। कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली वंदना ने तुरंत मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आवेदन दिया। उन्होंने 1,00,000 रुपए का लोन लेकर अपने ही घर में कटलरी की दुकान से व्यवसाय शुरू किया। अब महिला महीने के हजारों रुपए कमा रही है। अच्छी कमाई होने पर बेटा बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में वंदना शिक्षा ग्रहण करा रही हैं। ये कटलरी की दुकान का संचालन कर रहे हो, पहले आप गृहिणी थे, आपको कैसे पता चला योजना का और आपने कितने का लोन लिया? सर मुझे गांव से ही पता चला था, गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने बताया था इस योजना के बारे में और उन्होंने फिर मुझे समूह में जोड़ा। समूह से मुझे लोन मिला, लोन से फिर मैंने धीरे धीरे अपनी कटलरी का सामान घर में ही डाला, घर से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया। पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि गृहिणी थी, घर से बाहर जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने घर में दुकान डाली। कितने का लोन दिया था और कब दिया था? सर 1,00,000 का लिया था जिसमें मुझे 10,000 अनुदान मिला था और फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ाना शुरू करा उसकी। पहले आप कुछ भी नहीं कमाते थे? नहीं, नहीं, कितना कमा ले रहे हो? सर अब समथिंग हजारों में तो कमा ही लेती हूँ और अपने घर की जीविका भी चल रही है इसके द्वारा। बच्चों को भी शिक्षा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को शिक्षा मिल रही है। कटलरी का दुकान का संचालन करने वाली वंदना के यहाँ आसपास के आधा दर्जन गांव की महिलाएं भी अब खरीदारी करने के लिए पहुंचती हैं। अब उन्होंने अपना बिजनेस और बढ़ा लिया है। मुंबई, दिल्ली, इंदौर और भोपाल से कटलरी का सामान मंगाकर अपने गांव में बेच रही हैं, जिससे गांव में डिमांड बढ़ती जा रही है। त्योहारों के सीजन में वंदना से खरीदारी करने के लिए महिलाओं को कतार में लगकर इंतजार करना पड़ता है। पहले कहाँ खरीदी करने जाते थे और अब कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम नीता पथरी है और पहले हम बुरहानपुर जाते थे, बहुत दिक्कत होती हमको ऑटो से इसके बगाड़ी से जाने की। अब हमारे पड़ोस में दुकान खुल गई तो बहुत सुविधा होगी, साड़ी वगैरह जो छोटी से छोटी चीजें मिल जाती है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती बुरहानपुर जाने की। शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में शिवराज सरकार की स्वरोजगार योजना अहम भूमिका निभा रही है। खास तौर पर महिलाओं ने इस योजना का खासा लाभ लिया है। इस योजना के तहत लोन लेकर कई महिलाओं ने सफलता की नई कहानियां लिखी हैं। इसका फायदा उनके परिवारों को भी हो रहा है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।